नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दोस्तों, रोज लेकर आते हैं हम आपका दैनिक राशिफल। बताएंगे आज क्या नया होने वाला है आपके दिन में, आपका दिन अच्छा होगा, क्या लाभ दिलाएगा। साथ ही बताएंगे आपकी परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। क्या करना है आपको आज के दिन को सफल बनाने के लिए, साथ ही क्या कहता है आज का आपका राशिफल, बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री। पंडित जी, आप पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानी और मुश्किलों से निकलने का हल, बस कुछ आसान से उपायों के साथ। बस आपको हमें कॉल करना है, हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। चलिए उससे पहले जानते हैं आपके सितारों के हाल और आपकी तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। मित्रों, राखी का पर्व भाई बहन के रिश्ते को और मजबूत बनाता है। खुशियों का जो ये पर्व है, जीवन में बहुत सारी नई सौगातें लेकर आता है। और इस राखी के पर्व को लेकर ज्योतिष शास्त्र का भी एक विशेष दृष्टिकोण है। राखी बांधने के लिए हम शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा करते हैं। अक्सर देखते हैं कि कौन सा अच्छा मुहूर्त है जब हम भाई की कलाई पर राखी बांधे। ठीक उसी प्रकार राशि के अनुसार भी कुछ नियम हैं। अगर आप उनके अनुसार राखी बांधे तो निश्चित तौर पे बड़ा शुभ परिणाम रहती है और भाई बहन के रिश्तों में एक बहुत ही पॉजिटिविटी देखी जाती है। तो आइए जानते हैं कि आपकी राशि के अनुसार कैसे मनाएं रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार। साथ ही साथ आज जानेंगे रक्षा सूत्र बांधने का शुभ मुहूर्त। तो शुरुआत करते हैं राखी विशेष राशिफल के साथ में। आज मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं, तो जो भी हमारी बहनें हैं वो सब फटाफट कागज पेन लेके इसको नोट करने के लिए बैठ जाएं। तो हमारी जो मेष राशि वाली जो बहनें हैं वो अपने भाई को कुमकुम का तिलक लगाएं और लाल रंग की डोरी वाली राखी बांधें। साथ में भाई को मालपुए अवश्य खिलाएं। मेष राशि वाले जो हमारे भाई हैं वो अपनी बहन को रिटर्न गिफ्ट में कोई लाल रंग का मोबाइल हो सके तो गिफ्ट कीजिए, डेटा कार्ड को उपहार स्वरूप में दें। निश्चित तौर पे आप दोनों के रिश्तों में बहुत ही प्रगाढ़ता देखने को मिलेगी। 50-50, 100-100 रुपए देके आजकल बहन को राखी का त्यौहार मना लिया जाता, ऐसा नहीं। साल में एक बार त्यौहार रहता, ना जी खोल के बहन को दीजिए। बहन बेटियों को देने से तो और बढ़ता है। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, तो आज राखी वाले दिन आपको भाई को राखी बांधते वक्त उनके सिर पर सफ़ेद रंग का एक रुमाल या तौलिया रखना है, छोटा तौलिया जो आता है। फिर चांदी या सिल्वर रंग की राखी अपने भाई को बांधनी है। साथ ही साथ रोली में चावल मिलाकर तिलक करना है। निश्चित तौर पे मन प्रसन्न रहेगा, शांत रहेगा, दोनों के रिश्ते जो हैं वो सुखद रहेंगे। और साथ में भाई को दूध से निर्मित मिठाई अवश्य खिलाइएगा। वहीं जो वृषभ राशि वाले जो भाई हैं वो अपनी बहन को नीली प्रिंटेड साड़ी, मेकअप बॉक्स, डायमंड की अंगूठी इत्यादि उपहार में दे सकते हैं, जिससे कि बहन का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहे। अगली जो राशि वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे बहनें हैं उनको अपने भाई के कलाई में राखी बांधते वक्त एक तो हरे वस्त्र से भाई का सिर ढकना है या रुमाल से, उसके बाद भाई को हरे धागे या हरे रंग की राखी बांधनी है। निश्चित तौर पर इससे आपके भाई में आत्मविश्वास उत्पन्न होगा और भाई को बेसन से निर्मित मिठाई खिलानी है। बेसन के जैसे लड्डू हुए तो अपने भैया को अपने हाथ से लड्डू खिलाइएगा। और वहीं जो भाई हैं वो अपनी प्यारी बहना को हरे हुए धानी रंग की चूड़ियाँ, गले के सोने के आभूषण उपहार में अपनी बहना को भेंट कर सकते हैं। पंडित जी, आगे की राशि की तरफ बढ़ने से पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है, बीकानेर से दिव्यानी जी है। उनकी जन्म की तारीख है 21/11/1990 और जन्म का समय है शाम का 4:30 का। दिव्यानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। पंडित जी, मुझे पूछना है मेरे करियर को लेके ही मुझे क्वेरीज है। बोलिए बेटा। मैं
अभी मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हूँ, हम्म, तो उसमें आगे कोई स्कोप है या नहीं है? देखिए देवयानी, आपकी जन्म कुंडली में निश्चित तौर पे स्कोप बनता है। आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा की महादशा चल रही है और उसके अंदर भी अभी केतु का अंतर चल रहा है। इसको ग्रहण योग बोलते हैं, मीन्स हर चीज़ में हर्डल्स आना, रुकावट आना। ये आपका पीरियड ख़त्म हो जाएगा 5 अक्टूबर 2015 को, इसी वर्ष अक्टूबर के महीने में। उसके बाद चंद्रमा की महादशा शुक्र का अंतर आएगा, डेट विल बी द गुड पीरियड। 2017 जून तक ये चलेगा। समस्या जो है वो ये है कि आपके लक हाउस में, भाग्य स्थान में, शनि चंद्रमा का विषयोग बना हुआ है। शनि चंद्रमा जब साथ हो जाते हैं तो ये विषयोग बना देते हैं। तो बेटा, मेहनत के साथ में आईएएस का जो एग्ज़ाम है, सिविल सर्विसेज के जो एग्ज़ाम्स हैं, लाखों बच्चे देते हैं लेकिन सेलेक्ट जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। प्री क्लियर कर लिया, मेन क्लियर कर लिया, लास्ट में एक दिन होता है इंटरव्यू का। एट दैट टाइम यू नीड बेटर लक ओनली। इंटेलिजेंट तो सब है लेकिन भाग्य सबका नहीं है। तो योग्य आचार्य के निर्देशन में शनि और चंद्रमा का जो विष योग है उसकी शांति अवश्य करवाइए। और एक पुखराज रत्न आता है, वो अपने अंगूठे से पास वाली फिंगर में आपको हमेशा पहन के रखना है, गोल्ड के अंदर। नियमित रूप से सूर्य की आराधना करनी है और नियमित रूप से अपनी तरफ से गौ सेवा करने की कोशिश अवश्य कीजिए। 2017 तक में आपको शुभ परिणाम मिलने लगे। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, अजमेर से सलोनी जी हैं, जो कि अपने भाई हरिशंकर जी के लिए जानना चाहती हैं। हरिशंकर जी की जन्म की तारीख है 3/10/2000 और जन्म का समय है सुबह का 11:55 का। सलोनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए, आप क्या पूछना चाहती हैं पंडित जी से? पंडित जी बोले बेटा। जी सलोनी जी, अपना सवाल पूछिए। पंडित जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। पंडित जी, मुझे मेरे भाई के बारे में पूछना है। वो अभी 10th क्लास में है। वह थोड़ा बीमार रहता है, कभी ठीक रहता है तो वापस बीमार हो जाता है। और आगे उसका करियर कैसा रहेगा 10th क्लास में? मतलब किस हिसाब से मार्क्स आएंगे उसके, और आगे किस करियर में हम उसे क्या सब्जेक्ट दिलाएं 11th क्लास में, और भविष्य कैसा रहेगा उसका, यही जानना है। सलोनी, सबसे पहली बात तो यह है कि आपके जो छोटे ब्रदर हैं, इनका जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है। ज्येष्ठा नक्षत्र गणमूल नक्षत्र में आता है। पैदा होते ही ज्येष्ठा नक्षत्र की ठीक 27वें दिन पूजा होती है, हवन होता है। यदि वो आपने ज्येष्ठा नक्षत्र की पूजा, हवन, शांति आपके माता पिता ने करवा ली है तो अति उत्तम, नहीं तो सबसे पहला काम, जब भी ज्येष्ठा नक्षत्र आए वहाँ पर योग्य आचार्य से बात करके आप इसकी शांति करवाइए। दूसरी जो समस्या है, 7 साल की केतु की महादशा इस बच्चे को चल रही है, ख़त्म होगी मई 2017 में। उसके पश्चात शुक्र की महादशा शुरू होगी, इसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय। तीसरी जो चीज़ है वो यह है कि चंद्रमा जो इसकी राशि में है वो नीच का है और अभी शनि की 7.5 चल रही है, जिसके कारण ये बीमार रहता है। एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में सीधे हाथ में शनिवार के दिन धारण करवा लीजिए बच्चे को, और सूर्यास्त के बाद में दूध, दही, चावल जैसी सफ़ेद चीज़ों का सेवन बंद करवा दीजिए। और सोते समय इस बच्चे का जो सिर है वो पूर्व दिशा में रखें और पांव पश्चिम दिशा में रखें। निश्चित तौर पे बच्चा बहुत आगे जा सकता है, मैनेजमेंट से रिलेटेड लाइन में जा सकता है, टेक्निकल लाइन में जा सकता है, वकालत के सेक्टर में जा सकता है। कुंडली अच्छी है, इसके डिसीजंस पे ध्यान दीजिएगा और इसकी पूर्ण स्वास्थ्य सुख के लिए एक बार इसके वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में अवश्य करवा दीजिए। पंडित जी, अभी तान्या जी भी जुड़ गई हैं हमारे साथ कोटा से। उनकी जन्म की तारीख है 6/12/1986 और जन्म का समय है रात का 9:45 का। माफ कीजिएगा पंडित जी, तनय है ये कोटा से। तनय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। सवाल पूछिए अपना पंडित जी से। सर, मेरे को पूछना है कि मेरे जॉब का अभी तक कुछ नहीं हो पा रहा है। हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए बेटा। हाँ सर, मेरे प्रणाम पंडित जी। शुभाशुभ। मेरा क्या कहीं भी अभी तक जॉब नहीं हो पा रहा है। मैंने मतलब पहले 4 साल पहले मैं नौकरी में था, अभी फिलहाल 5 या 6 मंथ से मैं जॉबलेस हूँ। कहीं प्राइवेट में भी नहीं हो पा रहा है, और मैंने गवर्नमेंट के एग्जाम भी दिए फार्मासिस्ट के और ड्रग इंस्पेक्टर का, लेकिन उसका भी अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। और अभी फिलहाल जॉबलेस हूँ, ना प्राइवेट में हो पा रहा है ना गवर्नमेंट में हो पा रहा है। अब बिजनेस चालू करने की भी सोच रहा हूँ, पढ़ाने का, कोचिंग सेंटर, तो क्या करना चाहिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा सा। बेटा तने, आपकी जन्म कुंडली में दो समस्याएं हैं। क्या समस्याएं हैं? एक तो आपकी जन्म कुंडली में कालसर्प दोष बना हुआ है, वो भी भाग्य स्थान से।
और जब कालसर्प दोष भाग्य स्थान से बन जाता है तो लक फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करने लग जाता है। वन डे यू फील हैप्पी, वन डे यू फील बैड। वहीं दूसरे सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन पितृदोष बना देता है। तो यदि आप जीवन में सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं, चाहे शारीरिक, चाहे मानसिक, चाहे आर्थिक, तमाम सुख, दाम्पत्य सुख, संतान सुख, सबको सुख चाहते हैं, तो सबसे पहला काम इस काल सर्प दोष की शांति करवाइए, उसके साथ में पितृदोष की शांति करवाइए। उज्जैन जाके वहाँ पे योग्य आचार्य के निर्देशन में पितृदोष की शांति के लिए ध्यान रखिएगा। आपको अधिकार नहीं है, आपके पिता के हाथ से पितृदोष की शांति होगी। अपनी माता जी को बोलिए कि जहाँ रसोई में पानी का मटका भर के रखती हैं, वहाँ नियमित रूप से शुद्ध देशी घी का दीपक पितरों के नाम का लगाएं। निश्चित तौर पे आप एक सफल बिजनेसमैन बन सकते हैं, लेकिन आप जो शिक्षा के क्षेत्र में जाने का प्लान कर रहे हैं, टीचिंग वगैरह में, वो आपके लिए सक्सेस नहीं हो सकती। आपका गवर्नमेंट जॉब होगा 101%, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन जून 2016 के पश्चात आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। तब तक आपको जो मिलता है, जैसे मिलता है, उसको कर लीजिए। थोड़ा सा सब्र करिए, आगे आने वाला समय बहुत अच्छा है, और जो आपको बताया वो अवश्य कीजिए। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ खास है आज कर्क सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारी बहनें हैं, उनको अपने भाई के हाथ में एक तो सफ़ेद या क्रीम रंग के धागों से बनी हुई मोतियों वाली, सुंदर मोतियों वाली जो राखी है वो बांधनी है। भाई का जो मन है वो शांत रहेगा और आपके प्रति भाई के मन में प्रेम आएगा, और साथ साथ में भाई को जो मुंह मीठा कराना है बाजार में जो मिल रहा है वो नहीं, भाई को आपको राखी वाले दिन रबड़ी खिलानी है, ध्यान रखिएगा। और वहीं जो भाई हैं वो अपनी बहना को सफ़ेद और क्रीम रंग की साड़ी गिफ्ट में दे सकते हैं, ट्राउज़र इत्यादि, परफ्यूम इत्यादि, मोतियों की सुंदर माला अपनी बहन को गिफ्ट कर सकते हैं। बात करते हैं सिंह राशि वाली जो हमारी बहनें हैं कि उनको अपने भाई के हाथ में किस तरह की राखी बांधनी है। तो सिंह राशि वाली जो हमारी बहनें हैं वो अपने भाई के हाथ पर सोने या पीली या नारंगी रंग की राखी बांधें, और भाई के मस्तक पर सिंदूर या केसर का तिलक अवश्य लगाएं। निश्चित तौर पे उससे आपके भाई का जो है वो भाग्य जो है वो बढ़ने लगेगा। और भाई को मिठाई कौन सी खिलानी है, उसको जो स्वीट खिलानी है वो रस वाली जो मिठाई होती है वो खिलानी है। वहीं जो भाई हैं सिंह राशि वाले, वो अपनी बहनों को पीले व नारंगी कपड़े गिफ्ट में दे सकते हैं, हाथ की सुंदर सी घड़ी गिफ्ट में दे सकते हैं, गोल्डन चैन वाली, या सोने की अंगूठी अपनी बहना को राखी के उपहार के स्वरूप में दे सकते हैं। बात करते हैं कन्या राशि वाली बहनों के बारे में। तो हमारी वो बहनें जिनकी कन्या राशि है वो अपने भाई को हरे रंग की राखी बांधे या चांदी या सफ़ेद रंग का धागा भी बांध सकते हैं। निश्चित तौर पे इससे आपके भाई के जीवन की रक्षा होगी और उसके जीवन में आने वाला जो अमंगल है वो मंगल में बदल जाएगा। और प्यार से अपने भाई को मोतीचूर के लड्डू अवश्य खिलाइएगा। वहीं जो भाई हैं वो अपनी बहन को पन्ने की अंगूठी गिफ्ट में कर सकते हैं, हरे वस्त्र अपनी बहन को गिफ्ट में कर सकते हैं। निश्चित तौर पे दोनों के बीच में प्रेम बना रहेगा। यहाँ पर वक्त उछला एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं गुड लक टिप्स में।